ಜನಾದೇಶ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಸುತ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಗಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾ ಉನ್ಕೋ ಬಧಾಯಿ ಔರ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದೇತಾ ಹೂನ್. देखिए देखिए, कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया. और यही हर स्टेट में होगा. कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई. हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े. और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी. हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी. और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है. कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं. ये सबकी जीत है. सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है. हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे. मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं. हम इन वायदों को पहले दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे. मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ. नमस्कार, जय हिंद. नमस्कार, थैंक यू. Thank you.